लेक के ऊपर. फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई विल बी वॉकिंग ऑन द फ्रोजन लेक. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Seena Bhatia and welcome to the another vlog from Kazakhstan travel series. This is our day 3 in Kazakhstan and hum hain yahan ke ek bahut hi sundar se orbit village mein jise bolte hain Seti village. Seti village ke paas दो लेक्स है बेसिकली जो कि बहुत ही पॉपुलर है. आई एम डैम श्योर आपने सोशल मीडिया पे उसकी पिक्चर्स भी देखी होंगी. आई एम टॉकिंग अबाउट कोलसाई एंड काइंडी लेक. दिस टू लेक्स आर रियली पॉपुलर एंड मैं कर रही हूँ विंटर कज़ाकिस्तान तो वहाँ पे अभी लेक्स पूरी फ्रोजन होएगी. दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एंड द टेम्परेचर हियर इज समवेयर लाइक -12 to -15 degrees Celsius. इट इज़ अ थ्रिलिंग पार्ट कि हम यहाँ विंटर कज़ाकिस्तान कर रहे हैं एंड अभी मैं हूँ यहाँ सेटी विलेज में. सो बेसिकली इस वीडियो में आपको ये दोनों लेक्स देखने को मिलेगी. आप इमेजिन कर सकते हो कितना सुंदर नज़ारा होगा. वर्चुअली भी आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत मजा आएगा देखने में. प्लस मैं यहाँ पे जहाँ स्टे कर रही हूँ सेटी विलेज में, दिस इज अ होम स्टे. इंडिया में मैंने इतने गेस्ट हाउस इतने होम स्टे में स्टे करा है ऑर्बिट से ऑर्बिट प्लेस में, बट इन अ फॉरेन कंट्री इफ यू आर स्टेइंग इन सम होम स्टे दैट इज अ अनदर यूनिक लेवल एक्सपीरियंस एंड अमेजिंग. अब तक का मेरे यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा है. अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, वीडियो को एंड तक वॉच करो एंड आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट फुल मिलेगा. सो करते हैं बिना किसी देर के शुरू. वीडियो पसंद आएगा बस लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो. मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए बिकॉज वहाँ पर लाइव स्टोरीज आती है. मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने होम स्टे का टूर देती हूँ. दिस होम स्टे इज़ इन सेटी विलेज एंड यहाँ से लेक्स अभी दूर है. सो यहाँ से बेसिकली हम अलमाटी से सेटी विलेज कल पहुँचे थे रात में. तो सबसे पहले आप रात का नज़ारा देखिए. यहाँ पे रात का नज़ारा क्या था, हमने बिकॉज यहाँ डिनर किया था एंड हम रात को यहाँ कुछ 7:30 पहुँचे थे. तो पहले आप वो देखिए फिर कंटिन्यू करते हैं आज से. दिस इज़ द नाइट सीन बाय द वे. मेरा कोई प्लान नहीं था अभी ब्लॉग करने का. मुझे था कि मॉर्निंग में उठूँगी एंड सेटी विलेज का पूरा सिंस मेरा टूर रहेगा कल मॉर्निंग में तभी मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी. बट मेरा मेरे से रुका नहीं गया. आई मीन द होम स्टे डेट वी आर स्टेइंग एट इन सिटी विलेज इन कज़ाकिस्तान. आई मीन आई एम सो ओवरवेल्म्ड बाय देयर लाइक हॉस्पिटैलिटी. यहाँ पे मज़ा आ गया. मतलब लेट मी शो यू मैं क्या बात कर रही हूँ. हाय हाय, सो शी इज द ओनर ऑफ दिस होम स्टे. लड्डू घर के बने हुए, घर का मक्खन लिया. सो बेसिकली इस होम स्टे में हमारा स्टे प्लस यहाँ का डिनर एंड ब्रेकफास्ट इज इंक्लूडेड. तो ये रात का डिनर सीन है एंड इतना प्यारा वेलकम किया था इन्होंने, इतने प्यारे गेस्ट थे. खाना देखो इतना बढ़िया है. हम वेजिटेरियंस के लिए, नॉन वेजिटेरियंस के लिए सारे ऑप्शन अवेलेबल थे. मज़ा आ गया. आई मीन सब वेरी इम्प्रेसिव. सो खाना देखने में जितना बढ़िया है खाने में उतना ही अच्छा. दिस इज बहुत रेयर होता है जहाँ मुझे किसी कंट्री का वेज फूड भी पसंद आ जाए, एज इन अगर वो इंडियन नहीं है तो. बट दिस इज लोकल कज़ाक डिश काइंड ऑफ वेज रोल विद दिस स्पाइसी चटनी जो हमारी इंडिया में होती है, मोमोज वाली चटनी काइंड ऑफ कह सकते हो. चटनी इसके साथ है. ये यहाँ की लोकल ब्रेड है, लोकली आई मीन होमली यहाँ पे बेक्ड घर पे ही. कोई ना थोड़ी सी देर में आपकी चम्मच से निकाल दो. भाई सलाद भी है, भाई सलाद भी है. Now after this amazing dinner we just went for the sleep and ये थे हमारे rooms and rooms से बहुत clean well maintained and यहाँ पर temperature इतना like कम होता है रात को फिर भी आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी अंदर. and यहाँ के rooms सच में बहुत अच्छे थे. centrally heated है इनका पूरा होम स्टे. यहाँ पर सारे घर ऐसे ही होते हैं और बहुत बहुत amazing experience. अब करते हैं दिन की शुरुआत कोलसाई एंड काइंडी लेक के लिए. स्टे का ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर एंड सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती. चलो अब जर्नी शुरू करते हैं. See this? Fingerprints are not okay.
Look at the snow. So this is a 4x4 car. Hi. Yeah, so 4x4 car and normal हमारी जो van है वो नहीं जाएगी because this is snow. देखो पूरे रास्ते में snow है. So 4x4 नहीं जा रहे. And ये 4x4 बड़ी है since we are 9 people. See, this is a big 4x4. सो यहाँ पर हम लिटरली स्नो लैंड पे ड्राइव कर रहे हैं. आपको कहीं पे भी नॉर्मल रोड दिखेगी नहीं, सारी यहाँ बर्फ बर्फ है. और यही एक एडवेंचर है, थ्रिल है. मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था. मैं खुद ऐसा कुछ लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ. है चेक पोस्ट जहाँ पर हमें टूरिस्ट फी देनी है. सो टूरिस्ट फी इज 840 टेंजे पर पर्सन. कन्वर्ट कर लेना इसको INR में. 1 टेंजे इज समवेयर 5 रुपीस. ठीक है रजत भाई. सो यहाँ जस्ट मैंने अभी अपने पासपोर्ट की एंट्री करवाई है. पूरे ग्रुप में किसी एक की करवा दो चलेगा. तो यहाँ पे मैंने अपने पासपोर्ट की एंट्री करा दी एंड जो फीस है 840 वो सबमिट किया पर पर्सन. चलो. And look at the view. The view is so good. चमक रही है स्नो यहाँ पर. वाइट, पूरी वाइट यहाँ पर शीट है ऐसे ऐसे वाइट. यहाँ पर अभी तो स्नोफॉल नहीं है. दो दिन पहले यहाँ पर स्नो पड़ी थी. तो ये वो है, फ्रेश है बिल्कुल. एंड हमारी जो गाड़ी है ये रिवर क्रॉसिंग कर रही है, पूरी स्नो पर चल रही है. अल्टीमेट व्यू है, अल्टीमेट व्यू. ये है बेस पॉइंट जहाँ से हमारा काइंडी लेक कट हाइक स्टार्ट होगा. बेसिकली 2 किलोमीटर हमें वॉक करके जानी है, हाइक करके जानी है. और यहाँ पे ये है बेस पॉइंट. सो अभी 2 किलोमीटर की वॉक हाइक है एंड वी आर फुली प्रिपेयर्ड. पानी, स्नैक्स हमने कैरी कर लिया है. देखो कितना टाइम लगता है 2 किलोमीटर कवर करने में. हर किसी की स्पीड अलग हो सकती है एंड डेफिनेटली इतनी ठंड में धीरे धीरे ही वॉक करते जाएंगे. प्लस स्नो है, स्नो में वॉक करनी है. इट्स नॉट अ नॉर्मल हाइक और वॉक, इट्स अ स्नो हाइकिंग. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हॉर्सेस भी है, घोड़े भी हैं. थोड़ी सी कश्मीर की याद आ गई, पहलगाम जैसा. जहाँ जाओ अपने इंडिया का रेफरेंस तो देना बनता ही है. एंड इन केस अगर आपको यहाँ पे वॉक नहीं करनी तो ये जो पोनी सर्विस है इसके चार्जेस बताती हूँ आपको. ये है 6,010 जो कि हमारे INR में कुछ 1,000 रुपीज़ पड़ता है पर पर्सन. आना जाना दोनों आपको 1,000 रुपीज़ चार्ज करेंगे जो कि फ़ाइन है. एंड थोड़ा नेगोशिएट अगर कर पाओगे तो कर लेना, बट 1,000 रुपीज़ आप में आप पोनी सर्विस भी मतलब ले सकते हो. ट्रेन से ऐसे वॉकिंग का है जहाँ से हम लेक के पास जा सकते हैं. काइंडी लेक इन फ्रंट ऑफ मी. बहुत स्लिपरी है यहाँ पे लेकिन अब कंफर्टेबल हो गई, वह मज़ा आ रहा है. आई एम जस्ट गोइंग लेक के ऊपर. फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई विल बी वॉकिंग ऑन द फ्रोजन लेक.
सो ये थी आज की पहली लेक काइंडी लेक, एंड यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। समर्स में यहाँ पर आओगे तो आपको एक अलग लैंडस्केप देखने को मिलेगा, बट विंटर्स में लैंडस्केप कुछ ऐसा दिखता है जो कि एक डेफिनेटली वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो हमने यहाँ पर कुछ एक दो घंटे स्पेंड करे, एंड देन इसके बाद अब हम अब जाएंगे दूसरी लेक जो कि है कोलसाई लेक। नाउ वी आर एट कोलसाई लेक। यहाँ पर पार्किंग एरिया में हूँ मैं, एंड यहाँ से कुछ हाफ किलोमीटर कह सकते हो, थोड़ा वॉक करके जाना है, नीचे लेक हमें दिखेगी। एंड बाय द वे यहाँ की जो हमने आपको मैंने चेक पोस्ट दिखाया था 840 to 900 वहाँ पे जो चेक पोस्ट पर हमने टूरिस्ट फी दी थी, एंट्री फी कह लो, एंट्री परमिट कह लो, वो उसमें कोलसाई लेक भी इंक्लूडेड है इफ़ यू आर डूइंग ऑन द सेम डे। अगर सेम डे पे नहीं कर रहे देन आपको फिर अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, चार्जेस थे उसमें कोलसाई लेक का भी एंट्री परमिट इंक्लूडेड है। सो या चलते हैं, हेलो कर दो ब्लॉक में। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम नई जगह आए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। एंड एक सेकेंड, ये अपने हनीमून पर आए हैं, कपल है, एंड ये इनका ये हनीमून है प्लस फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है कजाकिस्तान। सोचो कजाकिस्तान किसने कंट्री चूज करी है फॉर देयर हनीमून। वाओ, फर्स्ट व्यू ऑफ कोलसाई लेक। ये लेक बड़ी है ना, जहाँ पे हमने इतनी सारी फोटोज क्लिक करी, जहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है कोलसाई लेक का, देयर इज़ अ कैफ़े जहाँ पर हम देखते हैं क्या खा सकते हैं। लेट मी सी द मेन्यू। वेजिटेरियन ऑप्शन मिलना बहुत बहुत रेयर है, बट क्या पता मिल जाए, देखते हैं। कॉफ़ी हो सकती है यहाँ पर, एंड रेट्स यहाँ के रीज़नेबल ही होते हैं। बाय द वे द मेन पार्ट दैट आई मिस्ड वाज, मैंने आपको 4x4 के आई थिंक चार्जेस ने बताए, सो दैट वाज 20,000 टेंजे फॉर द होल जीप, जिसमें 10 लोग बैठ सकते हैं। फॉर ओनली द काइंडी लेक जहाँ हम गए थे उसके थे 20,000, एंड यहाँ तक आने के लिए वी डोंट नीड 4x4, आप अपनी नॉर्मल कोई भी वैन करोगे, टैक्सी करोगे, उसमें आ सकते हो। Oh my god, just see the view from here. So good. Superb. So this is Pisa with this view. And aur kya chahiye hoga yaar, but more I can ask for. This is ultimate. Par thanda ho jayega, chalte hain andar khate hain. Order le rahe hain ki aapko jana hai. Oh, this pizza is so yummy, so tasty. फाइनली यहाँ कैफे में बैठे हैं, एंड हैड सम फूड, गुड कॉफ़ी, गुड पिज़्ज़ा। अब मुझे यहाँ पर आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस आज का शेयर करना है। बेसिकली आई फाउंड दिस लेक मच मोर प्रिटियर, मच मोर कन्वीनियंट एंड मज़ेदार देन काइंडी लेक, एंड ये ज़्यादा बड़ी भी है तो ये ज़्यादा खूबसूरत है। तो एक चीज़ एडवाइसेबल है कि यहाँ पे सारा टाइम स्पेंड करिएगा, एंड यहाँ पे आने के लिए कोई 4x4 भी नहीं चाहिए। कोलसाई लेक के एक और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन ये है कि देर आर 3 levels, ये सबसे पहला वाला है। 2 level है, उसके लिए 2 दिन का ट्रैक लगता है, वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर कजाकिस्तान में 7 दिनों के लिए आ रहे हो, यू कैन स्पेंड 2-3 extra days यहाँ पर कोलसाई के 2 levels और कर सकते हो, जो कि आपको 2 या 3 दिन आराम से लग जाएंगे। यहाँ से 3 बज रहे हैं,
टू बी प्रिसाइज 335 हो रहे हैं। तो यहाँ से हम अभी अल्माटी के लिए निकलेंगे विच इज़ अराउंड 250 किलोमीटर एंड हमें आराम से 3 से 4 घंटे ऑलमोस्ट लग जाएंगे पहुँचने में। तो हम रात को अल्माटी पहुँचेंगे और होटल में चेक इन करेंगे, फिर आज का प्लान देखते हैं, क्लबिंग का प्लान है या फिर कुछ तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप सेटी विलेज की साइड आ रहे हो देन आपको यहाँ पे दो चीज़ें अच्छी है देखने के लिए, वन इज़ कैंडी लेक एंड दिस इज़ कोलसाई लेक। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन, टिल देन टेक केयर, बाय एंड वेरी हैप्पी ट्रैवलिंग।